नाग नागिन अपने दुश्मन को ढूंढ कर बदला लेते हैं, फिर चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो। ये सब अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। जी हाँ, इसी तरह का एक हैरान करने वाला मामला फरुखाबाद में सामने आया, जहाँ एक संत को नागिन ने काटने के बाद मौत की नींद सुला दिया और अपना 5 साल पुराना बदला लिया। दरअसल ये मामला शहर के पांचाल घाट दुर्वासा ऋषि आश्रम मार्ग का है, जहाँ बंधा पर लगभग 70 साल के संत दयाराम रह रहे थे। वो प्रतिदिन अपनी गुरु की समाधि पर शाम को दीपक जलाने जाते थे। संत दयाराम के शिष्य विमल शर्मा ने बताया कि बीते सोमवार की शाम दयाराम अपने गुरु की समाधि पर दीपक जलाने गए तो उसी दौरान उन्हें एक काले सांप ने पैर में डस लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल लाया गया और वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसका रास्ते यही है, यहाँ नाग मारा गया। कब मारा गया था? हो गया होगा लगभग 4 साल। 4 साल पहले? अच्छा, तब से क्या सीन चल रहा है? यही घूम रही है, यही घूमती रही है नागिन। अच्छा, अच्छा, फिर उसने बाबा के ऊपर कैसे हमला किया, क्या हुआ? वो समाधि के पास अपने भाई की समाधि है, वहाँ दीपक जलाने गए थे। क्या नाम है उनके भाई का? कंकड़दास। कंकड़दास जी, तो क्या रोज जाते थे वहाँ दीपक जलाने? वहाँ रोज दीपक जलाते हैं, वहाँ रोज जाते थे दीपक जलाने। अच्छा, तो किस दिन दीपक जलाने गए थे, किस दिन की घटना हुई, कैसे हुई? सोमवार को। सोमवार को कैसे घटना हुई पूरी, थोड़ा? सोमवार को 6:45 दीपक जलाने गए थे, दीपक उठा नहीं पाया वहाँ से। अच्छा, बत्ती नहीं धर पाए, जला नहीं पाए। अच्छा, काट खा तुरंत पाए, भाग के काटा, चल के भाग के काटा है। अच्छा, फिर आप लोगों ने बचाव के लिए कुछ प्रयास वगैरह किए? प्रयास किया, जने उतार के उनके बंध लगाया, लोहिया ले गए। आपको बता दें कि सांप का काटना आम घटना सी है, लेकिन जब मामला नागिन के इंतकाम से जुड़ा हो तो लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का डर बन जाता है। लोगों का दावा है कि लगभग 5 साल पहले दयाराम के आश्रम के निकट एक काले नाग नागिन का जोड़ा रह रहा था, जिसमें से नाग को एक प्रदीप मिश्रा नाम के युवक ने मार दिया था। जिस समय उसको मारा गया, संत दयाराम भी मौके पर मौजूद थे, जिसके बाद से नागिन अक्सर संत दयाराम पर घात लगाए रहती थी। बीते दिनों दयाराम को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये वही नागिन है जिसने अपने नाग की मौत का बदला लिया है। कारण ये रहा है, शाम को महाराज नित्य की तरह अपने गुरु की समाधि पर दीपक जलाने गए थे और सर्प वहाँ बैठा हुआ था, तो अचानक पैर पड़ा महाराज जी का, तो सर्प ने उन्हें डस लिया। उसके बाद उनको अस्पताल लेके गए लोहिया, डॉक्टर ने मना कर दिया। उसके बाद 9:30 घर लेके आए, झाड़ फूक भी करवाई, दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन सब ने यही कहा उनकी फैल चुका है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, और इस तरह महाराज शरीर छोड़ गया। तो सांप ने क्यों काटा, इसके पीछे कोई कहानी है क्या? इसके बाद कहानी कुछ नहीं, लेकिन लोग बातें कर रहे थे कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक सर्प को मारा था, शायद वो कारण आज था, ये नागिन बताई जा रही है, इसने बदला लिया है। नागिन है, उसने बदला लिया? ये सुनने में आया, देखा गई नहीं स्पष्ट रूप से, लेकिन सुनने में आया लोग ये बातें कर रहे हैं। फिल्मों में नाग नागिन और उनकी दुश्मनी तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या वास्तव में फिल्मी दुनिया से बाहर भी ऐसा होता है? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना वहम है, ये तो अनसुलझी कहानी सी है, जिसको सुलझाना एक विषय बन गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।